हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस के लिए एक टॉपिक गरीबी और विकासात्मक विषय, जिसका आज पार्ट फोर करेंगे। पहले थ्री पार्ट्स हम इस पे चैनल पे दिखा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। तो हम लोग मेंस की प्रॉपर यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें GS1, GS4, हिस्ट्री और उसके साथ साथ प्री की भी तैयारी, जिसमें MPPCS के लिए MP के स्पेशल सब्जेक्ट्स के रूप में MP को हम करेंगे, प्लस साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और विविध बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी मैं चला रही हूँ, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ वन लाइनर करंट अफेयर साथ के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, और अगर आपको कोई काम की चीज़ आपकी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम आज शुरू करते हैं गरीबी और विकासात्मक विषय का पार्ट फोर। देख लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में पहले क्या क्या किया था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब टॉपिक डिवाइड किए थे गरीबी और विकासात्मक विषय में, जहां हमने लास्ट वीडियो में सुझाव तक कर लिया था पूरा। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सरकारी योजनाएं। एक बार रिवाइज करते हैं, ये देखिए अर्थ और परिभाषा गरीबी की, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़े थे, इसके बाद हमने देखा था गरीबी का क्या क्या कारण है, काफी कारण गरीबी के हमने इसमें पढ़े थे, इसके बाद हमने देखा था भारत के संदर्भ में गरीबी का क्या डाटा दिया हुआ है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, काफी लंबा डाटा मैंने बताया था इसमें आपको, फिर गरीबी के मैंने प्रकार बताए थे, इसके बाद गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर ये हमने देखा था, फिर इसके बाद एरियाज हमने देखे थे कि कौन से एरिया में किस हिसाब से पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, इसके बाद गरीबी की माप देखी थी, और इन सब के बाद हमने देखा था कि गरीबी को हटाने के लिए हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, मतलब कि आम आदमी क्या सुझाव दे सकता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप कुछ सुझाव बताइए जो जिससे गरीबी हटाई जा सके भारत में। तो कुछ सुझाव मैंने दिए थे, बाकी मैंने ये भी कहा था कि आप कमेंट करके मुझे एक सुझाव बताइए। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, स्पेशली करण का कमेंट आ रहा है, जो मुझे हर एक वीडियो में, मैं जो अगर क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसके जवाब देते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू जो व्यूवर्स मुझे कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियो सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है ये आप लोगों के लिए। तो होप आप लोग कमेंट करके मुझे ये तो बताइए कि ये वीडियो आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है, तो कुछ तो मुझे सुझाव दीजिए कि क्या मैं आगे कर सकती हूँ। तो चलिए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सरकारी योजनाएं, क्या क्या सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं इंडिया में। ये कुछ योजनाएं मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो बहुत पॉपुलर है और बहुत दिनों से चल रही हैं, तो वो कुछ योजनाएं हैं। बट आप खुद ही सोचिए कि जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना हो, अटल पेंशन योजना, कोई भी योजना चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी को टारगेट कर रही है। तो आप कोई भी योजना हम यहाँ पर लिख सकते हैं गरीबी को टारगेट करने वाली। मैं यहाँ कुछ गिनी चुनी 7 योजनाएं सिर्फ लेकर आई हूँ। इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, किसको इसमें इस योजनाओं का लाभ मिलेगा, इस टाइप से सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे 7 योजनाओं में। तो ये जो योजना है, पहली जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, नेक्स्ट अन्नपूर्णा योजना, मिड डे मील योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना या ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और भारत निर्माण योजना, काफ़ी सारी योजनाएं सरकार द्वारा ये चलाई गई हैं। तो आज हम एक एक करके ये योजनाएं जितनी हो सकती है आज देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा योजनाएँ और एक एक का डिटेल करना या इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम देखते हैं। एक चीज़ और,
इंग्लिश मीडियम वालों की मेरे से बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि आप इंग्लिश में वीडियोस नहीं बनाती। तो मेरा मीडियम एक्चुअली हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। जो नेक्स्ट मैम है, एक और मैम है, वो इंग्लिश में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हैं। बट इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा मटेरियल मिला डीडी न्यूज़ का, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक वीडियो क्लिप डीडी न्यूज़ के साइट पे, उनकी चैनल पे है, वो मैं क्लिप आपके लिए थोड़ी सी क्लिप लेकर आई हूँ। आप उनके चैनल पे जाके वो क्लिप पूरी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से वो क्लिप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बट आप लोग कुछ क्लिप यहाँ पर देख लीजिए, वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। काफ़ी अच्छा एफर्ट है डीडी न्यूज़ वालों का इस क्लिप को लेकर। तो चलिए वो क्लिप देखते हैं। It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. Since then, the development of rural economy has been one of the prime concerns of our planning process. The development and transformation of the rural economy requires rapid expansion of employment and income opportunities both on farm and off farm. In recent years, various initiatives have been taken regarding this. The introduction of Bharat Nirman is one major step towards the improvement of the rural sector. The program comprises projects on safe water supply, housing, telecommunication connectivity, rural connectivity, electrification and irrigation. Over the last 6 years, another flagship program of the government, MGNREGA, has delivered the largest employment program in human history. Indira Awas Yojana provides financial assistance for the construction of dwelling units and upgradation of existing unserviceable kaccha houses to BPL houses in rural areas. With a view to redressing the situation on the connectivity, government launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana on 25th December 2000 to provide all-weather access to eligible unconnected habitations. Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana was launched in 2005 for electrifying villages and providing free electricity connections to rural BPL households. With an aim to bring transparency and terminate pilferage from distribution of funds sponsored by the centre, Direct Benefit Transfer Program was launched by the government recently. Through this ambitious Aadhaar-based Direct Benefit Transfer Central project, benefit and subsidy will be directly transferred to the citizens living below poverty line. आप लोगों ने देखा होगा क्लिप, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ योजनाएं उसमें बताई हुई हैं, उसका डिटेल बताया हुआ है। अब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, बहुत अच्छी मुझे क्लिप नहीं मिली है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो कि एक एक योजनाओं को डिस्क्राइब करें। सबकी अलग अलग क्लिप्स हैं, तो मैं ये चाहती थी कि कोई एक पूरी मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला किसी न्यूज़ चैनल पर। तो मैं इसका, मैंने खुद ही एक PPT तैयार की है, जो मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे। ये जो PPT है, इसमें मैंने मेन पॉइंट्स आपको दिए हैं, बाकी मैं वर्बली आपको समझा रही हूँ कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी स्कीम भारत निर्माण स्कीम की तरफ चलिए, नई आज़ादी की ओर। इसका ये मेन थीम है इस भारत निर्माण योजना का, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें केंद्र सरकार ने देश भर के गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, भारत निर्माण योजना की। अब आधारभूत सुविधाएं क्या होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में मेनली ये किया गया था, सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, दूरसंचार, विद्युतीकरण और सड़क। ये 6 जो आधारभूत योजनाएं हैं गांव के क्षेत्रों के लिए, इसके विकास के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। और ये योजना शुरू की गई थी 16 दिसंबर 2005 को दिल्ली में, नई दिल्ली में ये योजना शुरू की गई थी, न्यू दिल्ली में। और ये जो आधारभूत योजनाएं हैं, इसका प्री में भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार UPPCS में पूछा गया है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी योजना भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आती है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो आप ये 6 चीज़ें बिल्कुल रट लीजिए, ये 6 चीज़ें भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। इसमें कुल 1,74,000 करोड़ वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश की ग्रामीण अवसंरचना की, ये जो 6 मुख्य लक्ष्य निर्धारित 4 वर्षों के लिए किया गया था, ये 2005-06 से लेके, जब से ये योजना शुरू हुई थी 5-06 से लेके 2008-09 तक के लिए 4 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारत निर्माण योजना के अंतर्गत। अब ये सिंचाई, मैं इन
जो योजनाएं 6 लक्ष्य हमें दिए गए हैं, मैं उसकी थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल बता देती हूँ। सिंचाई के अंतर्गत जब तक लक्ष्य निर्धारित है, मतलब कि 2008-09 तक निर्धारित अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करना। आवास के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए आवासों का निर्माण करना। जलापूर्ति, सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना और साथ ही घटिया पेयजल वाले क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता को सुधारना, इसके अंदर ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट, दूर संचार, लक्ष्य वर्षों तक मतलब कि 2008-09 तक गांव में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, विद्युतीकरण, लक्ष्य वर्षों तक बचे हुए सभी गांव में बिजली पहुंचाना तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत शेष घरों को बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना, ये इसके लक्ष्य थे। और नेक्स्ट, सड़क, लक्ष्य वर्ष तक 500 की आबादी वाले सभी जनजाति और पहाड़ी गांव तथा 1000 तक की आबादी वाले सभी गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत एक दूसरे से जोड़ना। तो इसके अंदर गांव की स्थिति को सुधारने के लिए ये 6 जो लक्ष्य तैयार किए गए थे, आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने के साथ साथ जितने भी गाँव में जो पिछड़ापन चल रहा है उसको सुधारना, ये भारत निर्माण योजना का लक्ष्य था। और भारत सरकार ने इस योजना के लिए बहुत ही बड़ी राशि बजट में देने का निर्णय किया था और इस योजना के लिए विश्व बैंक ने भी विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए 3 वर्षों में $1 अरब प्रति वर्ष के हिसाब से $3 की सहायता राशि की पेशकश की थी। तो वर्ल्ड बैंक ने भी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया का बहुत साथ दिया था, $3 अरब की सहायता राशि वर्ल्ड बैंक ने प्रदान की थी। तो आपको ये भारत निर्माण योजना के बारे में एक एक चीज़ पता लग गई होगी। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके 3 से 4 पेजेस में लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इसके मैंने की पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, ये मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी जब ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। 25 दिसंबर 2000 से शुरू इस योजना में लगभग 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो गरीबों से भी गरीब है उनके लिए योजना थी। और इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं और चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया गेहूं और चावल का मूल्य ₹3 प्रति किलोग्राम, गेहूं का मूल्य और चावल का मूल्य, सॉरी उल्टा, गेहूं का मूल्य ₹2 प्रति किलोग्राम और चावल का मूल्य ₹3 प्रति केजी निर्धारित किया गया। और ये योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ये भी क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, किस मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें लगभग इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ लोग, मतलब कि 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। 1 करोड़ परिवार का मतलब है 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे इस योजना से। और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। अब मैं इसका पूरा एक एक डिटेल बता देती हूँ कि जो मैं बताऊँगी अभी आगे, इन प्राथमिक समूहों के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से परिवार आप देख सुन लीजिए। ऐसे परिवार जिसमें प्रमुख विधवा या मरणासन्न बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सहारा ना हो, मतलब विधवा, मरणासन बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और 60 वर्ष से या उससे अधिक का व्यक्ति हो, तो इसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विधवाएं या मरणासन व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति या अकेली महिला या अकेला पुरुष जिसका पारिवारिक कोई सहारा या सामाजिक सहारा ना हो, उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे है सभी मूल जनजातीय परिवार इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक और डाटा इसमें बता दूं कि मार्च 2015
मार्च 2015 जो है उसके अनुसार राज्यों और संग्रह क्षेत्रों में 242.31 मतलब कि 242.31 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान की गई है। 242.31 लाख परिवारों की पहचान की गई है और इस योजना में मेन चीज़ है कि राशन कार्ड वितरित किए जाते हैं, राशन कार्ड जारी किए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो ये हमारी आज की दूसरी योजना थी, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है अन्नपूर्णा योजना, जो कि इसका विलय कर दिया गया है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में, इसलिए मैंने ऑब्लिक में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें वर्ष 2000 में शुरू हुई थी योजना और गरीबी रेखा से नीचे मतलब कि बीपीएल से जो नीचे हैं लोग जीवन यापन करने वालों वृद्धजनों की सहायता के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धों के लिए योजना शुरू की गई थी। अब इसमें जब नया संशोधन हुआ तो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम मतलब कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में इसका विलय कर दिया गया था। 15 अगस्त 1995 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के घटक के रूप में कार्यान्वित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा या वृद्ध लोग जो हैं उनको मासिक पेंशन इसमें उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और अन्नपूर्णा योजना को अब समाप्त करके इसे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 65 वर्ष से अधिक उम्र बेसहारा लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें नई स्कीम जोड़ी गई है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब मैं इसमें अगर कोई भी योजना बंद की जाती है, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना बंद की गई, इसको इसमें विलय किया गया, या कोई भी योजना बंद की जाती है तो उसके लिए ना सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेना पड़ता है और बंद करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय को भी सूचित करना पड़ता है, मतलब अनुमति लेना पड़ता है। अगर उन्हें अनुमति दे दी है तो सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करना पड़ता है कि हमने ये योजना बंद कर दी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि कोई भी योजना बंद करते समय क्या स्टेप उठाने चाहिए या कैसे कोई योजना बंद होती है। तो नेक्स्ट हमारी योजना है मिड डे मील योजना। आज हम मिड डे मील के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी होंगी या सरकारी स्कूलों में ये चीज़ देखी भी होगी, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे क्या है ये योजना और कैसे चलती है। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1995 से इस योजना शुरू हुई थी। विद्यालयों में जो मिड डे मील होती है, मध्यान्ह का भोजन होता है दोपहर का, इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगभग 12 करोड़ ऐसे वंचित वर्गों को समायोजित करती है जो सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं वैकल्पिक तथा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, शुरुआत में वो योजना सिर्फ प्राथमिक बच्चों के लिए शुरू की गई थी, जो केंद्र या केंद्र सहायता प्राप्त विद्यालय थे उनमें जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इसको समस्त प्रखंडों में लागू कर दिया गया, मतलब पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया था। और इसके बाद इसका विस्तार किया गया अक्टूबर 2007 में, जिसमें इसे उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 तक के लिए भी इसे लागू कर दिया गया अक्टूबर 2007 में इस योजना को। और इस योजना में प्राथमिक जो भी इसमें रखा गया मानदंड रखा गया कि ये मानदंड होना चाहिए बच्चों को जो दोपहर का मिड डे मील भोजन दिया जाता है उसके लिए, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों का पोषण स्तर जो होता है 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया, और जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों थे उनके लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन इसमें मानदंड पोषण का रखा गया या निश्चित किया गया कि दोपहर में भोजन जो दिया जाएगा उसमें पर्टिकुलर एक बच्चे को इतनी इतनी कैलोरी यहाँ पर दी जाएगी और प्रोटीन इतना निश्चित किया गया। और विद्यालय में जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया 2008-09 में प्राथमिक उच्च प्राथमिक सभी बच्चों के लिए पूरे देश में लागू कर दिया गया, मतलब कि 2008-09 आते आते ये योजना पूरे देश में विस्तृत हो गई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक
दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जो कि केंद्र और केंद्र से सहायता प्राप्त विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई गई इसके अंतर्गत। तो आपको ये योजना अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमने चार योजनाएं डिस्कस की, भारत निर्माण योजना, मिड डे मील योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना जिसे राष्ट्रीय वृद्धावंशा पेंशन योजना के अंतर्गत विलय किया गया। तो आज हमने ये चार योजनाएं अच्छे से डिस्कस की। काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, अभी भी तीन योजनाएं काफ़ी लेंदी बची हुई है। मनरेगा योजना बची है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गरीबी निवारण के लिए। तो हम ये योजना जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आऊँ ताकि हम लोग कोर्स फटाफट अपना कवर कर पाएँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपना कोर्स अपने अकॉर्डिंग पूरी जल्दी से जल्द कोशिश करूँगी कि प्री का रिजल्ट आने से पहले काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये तो बताइए कि मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए हमारे लिए, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। थैंक यू।